पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चले थे प्रधानमंत्री मोदी का नकल करने। नकल करने के चक्कर में अपनी ही इज्जत का फजीहत करवा लिया। बदनामी और पाकिस्तान एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहीं भी जाएं और उनकी बदनामी ना हो, ऐसा होना असंभव है। तुर्की के राष्ट्रपति से जबरदस्ती गले मिल रहे थे शहबाज शरीफ। भरी महफिल में राष्ट्रपति ने किया शहबाज शरीफ को अलग। दरअसल पाकिस्तान पीएम तुर्की दौरे पर हैं, जहां पर अपने ही इज्जत का गुरगोबर करवा लिया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमे तुर्की के राष्ट्रपति उन्हें जबरदस्ती गला मिलने पर खुद से अलग करते देखे जा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पाकिस्तान के साथ साथ भारत की जनता भी शहबाज शरीफ के इस बेइज्जती पर मजे लूट रही है। पाकिस्तान लगातार अपनी बेइज्जती विश्व पटल पर करवाते रहता है, चाहे वो किसी अन्य देश से कर्ज मांगकर हो या फिर अपनी करतूतों की वजह से। मगर इस बार प्रधानमंत्री के वजह से ही पाकिस्तान को बदनामी झेलना पड़ा। तुर्की के राष्ट्रपति को भी लगा कि कहीं पाकिस्तान उनसे कर्ज ना मांग ले, इसलिए धक्का मारकर उन्हें खुद से अलग कर दिया। पाकिस्तान अपनी बेइज्जती सिर्फ तुर्की में ही नहीं, बल्कि भारत में हो रहे एससीओ सबमिट के दौरान भी करवा लिया था। पाकिस्तान को अगर इज्जत दे दें तो उन्हें रास नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें बेइज्जती की आदत हो चुकी है। टीएनएन वर्ल्ड से मैं हर्षवर्धन इस रिपोर्ट के साथ आप तमाम जनता से विदा लेता हूं।